सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग उड़ीसा सुंदरगढ़ से। फिलहाल तो अभी यहाँ पे एक वेडिंग शूट करने के लिए आया हुआ हूँ, तो आज शूट करते हैं और फिर मज़े लेते हैं। शूट खत्म हो गया है, अभी लोकेशन चेंज कर रहे हैं ऑटो में। ऑटो में ये समय है लोकेशन चेंज करने का, और सबसे पहले ये जो कैमरा में ब्लर ब्लर हुआ है ना, उसको साफ़ करने का। पहले साफ कर देते हैं। अच्छा, हाँ अभी अच्छा क्वालिटी आया ना, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस। दो मंदिर तीन मंदिर घूम लिए, अब घर जा रहे हैं वापस। कितना हो गया ना, भूख लग रही है बहुत, और मेरा गला भी बैठ जा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा था, गला बैठ जा रहा है वैसे। और अभी एक मंदिर और बचा है, छः सात मंदिर तो घूम लिए हम लोग, ढाई बज गए हैं, कड़क की दो पैर घूम रहे हैं, अभी आगे हो गया। थोड़ा सा अपडेट देता हूँ। एक्चुअली दिन में ना खाना खाने के बाद ना, जो गर्मी में सोए हैं ना, पसीने से पूरा शर्ट भींग गया था, और उठे हैं, उठने के बाद हड़बड़ होके फिर आए हैं, ब्राइड के ड्रेसअप और ग्रूम के ड्रेसअप शूट किए हैं, और अभी डेकोरेशन वगैरह शूट कर रहा हूँ। और डेकोरेशन शूट करने के लिए जब मैं आया हूँ तो ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक कि मैं जितना भी वेडिंग किया हूँ ना, उसमें से सबसे अच्छा डेकोरेशन जो जो स्वीट सा डेकोरेट हुआ है ना, वो ये वाला है। बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट हुआ है। मतलब रायपुर में एक भयानक 5-7 स्टार होटल में मैंने किया था काम, बट वो उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये ना बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट हुआ है यार। मैं जानना चाहूँगा कि इसके कैटरिंग का जो है ऑनर, वो कौन है? कैटरिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इवेंट मैनेजर जो भी है, तो उससे पता करना पड़ेगा, फिर बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल तो अभी शूट करते हैं और अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं। ये देख लो एक झलक, आप लोग भी देख लो, यहाँ पर एंट्री होने वाली है, और ये है पूरा अच्छा डेकोरेट हुआ है। अभी डिटेल में समझ में नहीं आया, लेकिन वहाँ की लाइटिंग है ना, इसके उस पर वाली, वो लाइटिंग बहुत अच्छी है, और वहाँ पे जो एंट्रेंस है ना, वही बहुत प्यारा है। दिखाता हूँ, चलो। फाटक के सामने, हाँ एक्चुअली फाटक के सामने ना ये वाला शॉप है, तो ये वाला आप लोग जाके ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अभी मैं और ट्राई करने वाला हूँ।
एक्चुअली थोड़ा सा अभी आधे घंटे का ब्रेक है, ब्रेक तो नहीं, वो दूल्हे का कुछ कुछ पूजा वगैरह हो रहा है स्टेज पे चढ़ना और वरमाला के पहले वाला, तो उनका पूजा हो जाएगा तो फिर दुल्हन आएगी, उनका एंट्री होगा, उसके बाद फिर वरमाला होगा स्टेज पे। तो तब तक हम लोग ब्रेक लिए हैं और थोड़ा सा वो झालमुड़ी बोलते हैं और हमारे साथ भेल बोलते हैं, पता नहीं शायद दोनों अलग है, पता नहीं मुझे आई डोंट नो, बट भेल भेल है तो वो खा रहे हैं। अश्विन लेने गया है तो लेके आता है फिर। बाकी यहाँ की पार्टी बहुत अच्छी थी, एक किसी कमी रह गई खाने के बाद ना, इसको समेटने के लिए थोड़े से वर्कर और होने चाहिए थे, वैसे ही इवेंट मैनेजमेंट की साइड से थोड़ा सा चूक रह गया, बाकी खाना का टेस्ट बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। देखो डांस वांस चल रहा है और हम डांस एंजॉय कर रहे हैं। चलो ये हमारा पार्ट टाइम जॉब है, नहीं नहीं गिर जाएगा। अरे तो इसको उठा के उधर कर देंगे ना, कोई नीचे रख देंगे। चलो ऐसे भी तो पूरा फेंकाया पड़ा है। चलो इसको भी बर्तन भी धोना है हमको सुबह तक। तो ये समय है पैकअप का, यहाँ से पैकअप का। वैसे आप लोग पीछे देख सकते हो कि ग्राउंड का डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन जितने भी गेस्ट आए थे वो ग्राउंड के फ्लोर का डेकोरेट करके गए हैं, पूरा कचरा वचरा सब फैला के गए हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कोई डस्टबिन साफ करने वाला या नया डस्टबिन ला के रखने वाला तो साफ सफाई वाले नहीं थे, बाकी सारा अरेंजमेंट बढ़िया था। फिर से बोल रहा हूँ शायद, तो कोई नहीं, अभी रिसेप्शन ख़त्म हो गया, अभी जा रहे हैं वेडिंग के लिए अंदर मंडप पे, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ शूट करते हैं, ताकि मेरी तो हालत ख़राब है, पता नहीं क्यों ख़राब है, लेकिन ख़राब है। स्पेशल क्या है बोला? अरे 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 10 रुपए। एक तरफ शादी की रस्म होते हुए और दूसरी तरफ उनके भाई बहन उनको ट्रोल करते हुए। कहाँ जा रहे हैं? आज इंतज़ार करते करते सुबह हो गई है, लेकिन शादी नहीं हो पाई, पहली वेडिंग है जिसमें शादी नहीं हो पाई और सुबह हो गई, सब क्या ही होता है। ये पहली वेडिंग है जो इतनी सुबह शादी हुई है फाइनली, और अच्छा था, रात भर जगे और सब जगे हुए हैं सबके सब। रात भर सोए नहीं है तो अजीब सा लग रहा है, नींद तो बहुत आ रही है, बट अभी 7:30 बजे ट्रेन है तो पैकअप वगैरह हो गया और अभी निकलना है हम लोग को झारसुगड़ा, वहाँ से ट्रेन पकड़ना है, सुंदरगढ़ में स्टेशन नहीं है ना, तो दौड़ धूप करना है और ये ब्लॉग एड करके अपलोड भी कर देता हूँ, 8 बजे तक अगर नेटवर्क ठीक रहा तो अपलोड भी हो जाएगा। और क्या ही बोलूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सर्दी तो हो गई, सर्दी ख़त्म ही नहीं हो रही है, जैसे कल भी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया था तो थोड़ा सर्दी ठीक नहीं हो रही है, बट क्या ही बोले तो चलते रहता है। अब चलते हैं वापस बिलासपुर, और शूटिंग के लिए आया था इससे पहले नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो बहुत लोग मिलने के लिए बोलते हैं इसलिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम आराम से मिलेंगे। और क्या ही बोलूँ, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, चलो बाय, ख्याल रखना अपना।